हेलो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर हैं जी और आज आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आपा नशरोपैत उम्मे राहिल और आज किचन पे इन्होंने मेरी जगह ले लिया एक्चुअली उन्होंने कहा कि जलाल अब तुम्हारा काम खत्म हो गया कभी भी नहीं बोलूंगा <laughs> अब मेरा काम हो और मैंने जो है न, कुकिंग करनी है और तुम हट जाओ थी बनाना <laughs> आप बनाइए लेकिन मैं कभी भी आपको या किसी को नहीं कहूंगी किचन से हट जाओ अच्छा मुझे कोई शौक नहीं किचन में खड़े नहीं करें आप बिल्कुल तो अच्छा बना लेती आप सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ लेकिन बस बहुत बना लिया बहुत बना लिया अब नहीं बना अब नहीं बनाती तो आप हमारे साथ हैं और और आज आपा क्या सिखाएंगी ये हम पूछेंगे बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज इंटरटेनमेंट आज फूड यूट्यूब पे हमारा चैनल है जहाँ पर आप हम हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं रेसिपीज़ देख सकते हैं रेमेडीज़ देख सकते हैं इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं नंबर ऑन स्क्रीन है कोई भी सवाल क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप हमसे कर सकते हैं आपा हमारे साथ हैं रेमेडी पूछना चाहते हैं किसी भी अमराज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं जी आपा आज क्या आप पकाने वाली हैं मतलब मैं रेमेडी क्या पकाने मैं क्या बनाने वाली बनाने वाली हूँ। एक्चुअली <laughs> लास्ट आ, कुछ शोज में हमारी बात हो रही थी सोप के ऊपर बिल्कुल मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे आप... कि हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम बता रहे होते हैं तो हमारी जितनी भी माँ बहन इस वक्त देख रही हैं उनके लिए अगर बाइंग का इशू है या उनको नहीं मिलता तो वो घर पे किस तरह से सोप बना सकती हैं ठीक है अच्छा घर पे बनाने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम खरीद नहीं सकते मतलब आप जो चीज खुद बनाते हैं उसमें आपकी बड़ी एफर्ट शामिल होती है चीजें बड़ी प्य। मतलब प्योर चीजें इस्तेमाल कर रहे तो। होते हाँ। तो हैं ना उसका कोई मोल नहीं लगन से नो तो आज हम एक सोप बना रहे हैं जो कि बहुत सारी चीजें मैं डिफरेंट चीजें बता दूंगी वेरिएशन करके और उसी तरह से घर में आप फेस वॉश कैसे बना सकते हैं क्या बात है और छोटी छोटी चीजें बहुत आराम से बन जाती है अच्छा वैसे तो खर साबुन बनाने का तरीकाकार डिफरेंट होता है वो एक बड़ा मेथड होता है तो वो नहीं बता रहे लेकिन इजीली जो आप बना सकते हैं वो मैं बता रही हूँ कोई भी घर में साबुन होता है या सोप फ्लेक्स भी मिल जाते हैं साबुन है? का जो चूरा होता है या फ्लेक्स इजीली okay, मिल जाते, जाते।, जाते हैं तो वो ले, ले, ले या घर में जो बचे हुए साबुन होते हैं ना जो भी घर का बचा हुआ साबुन छोटी छोटी टिक्कियाँ बच जाती है सबको जमा कर ले और तो फेंकता तो खैर कोई भी नहीं पाकिस्तान अच्छा। में महंगाई बहुत हो गई है लिहाजा वो तो छोटी छोटी बच जाते हैं क्या करें कैसे करें तो उसको हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो थोड़ा सा हमने पानी लेना है या रोज़ वाटर लेना है तकरीबन आधी प्याली के करीब जितना आप सोप ले रहे हैं और इतना ही जो है हम उसमें आ, साबुन का चूरा डालेंगे सही ठीक है मैंने चूरा किया हुआ है ये इसका चूरा डाल के अब आपने करना क्या है इसको हल्की आंच पे पकने रख दिया अच्छा पानी इसलिए डाला कि वरना साबुन जो है ये चिपक ना जाए इसको हमने मेल्ट करना है और बहुत ज़्यादा पानी या रोज़ वाटर नहीं ऐड करेंगे सिर्फ हमने मेल्ट करने के लिए इसको ऐड किया है अच्छा देखिए फ़ौर तो ये मेल्ट हो जाता है अच्छा इसके साथ थोड़ा सा इसके अंदर जो है अब जो भी चीज़ आपको चाहिए हम बात उस दिन करते नीम सोप की तो नीम हर जगह मिल जाता है मौजूद होता है आपने सिर्फ नीम की पत्तियाँ ली हैं आप चाहें तो इसको पेस्ट बना, बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा ले है, पेस्ट बना थोड़ा ले। सा मोटा मोटा उसको क्रश करके और वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना ऐड कर दिया जब है। थोड़ा सा आपका सोप मेल्ट होना शुरू हो गया है थोड़ा सा इसके अंदर आप मिंट पुदीने के पत्ते या आपका पेपर मिन्ट जो है मिंट क्रिस्टल्स मिल जाते हैं सत पुदीना कहलाते हैं वो थोड़ा सा डाल दें वो गर्मी के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देगा आपको पूरा दिन इतना फ्रेश रखेगा देखिए इस तरह से मिक्स किया आपने इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छा ये तो आपका अगर आग, आप नीम सोप बना रहे हैं तो आप तकरीबन आधी प्याली सोप फ्लेक्स लेंगे आधी प्याली आप नीम का जो है पेस्ट लेंगे सही और आपने दोनों को डाल के मिक्स करना है सही ठीक है ये आप और आप इसको कुक करना है कुक करना कुक इतना कर अभी देखा ये पूरा मेल्ट नहीं हो रहा है इसको हम इतना पकाएंगे कि पूरा प्रॉपर मेल्ट हो जाए तमाम चीज़ें पानी डालने का यस और अच्छा इसके साथ जो है ये मैं चीज़ें कुछ बताऊँ तो खैर हम जैसे नीम और पुदीना डाला अगर हम चाहते हैं कि हमारा सोप बहुत अच्छा बने और उसकी शक्ल भी अच्छी हो और उसके अलावा उसके और भी सिर्फ दाने ही नहीं या जो है ना नीम का सोप नहीं उसमें खूबसूरती कोई और चीज़ भी ऐड हो तो हम इसमें ऐड कर देंगे अनार के फूल गुलाब की पत्तियाँ भी आप डाल सकते हैं अच्छा उसमें जो है ना हम अनार के फूल क्रश करके ऐसे डाल देंगे ओके अच्छा इसमें आप गुलाब की पत्तियां हैं इसमें आप गेंदे का फूल है आप जो हर्ब दिल चाहे आप हंसते यूसुफ है सब आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल जो लास्ट टाइम आपने बताया था। आप डिफरेंट चीज़ें होती हैं डिफरेंट लोग बता रहे होते हैं ही नहीं बाकी सब लोग भी बता रहे बिल्कीज बताती हैं शाह नजीब बताते हैं डिफरेंट लोग आके बता रहे होते सब चीज़ें जो भी आप जो चीज़ आज दिखाएंगे आप इसके साथ एक कॉलर है उनसे भी बात करते हैं जी वालेकुम जलाल भाई कैसे हैं है आपको ठीक ठाक आप कैसी हैं ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है जलाल भाई डॉक्टर साहब आई इनको भी सलाम कहूंगी और मैंने दो सवाल करने हैं अगर आप इजाज़त दें जी 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 मेरा बेटा आप करें सवाल करें बहुत शुक्रिया मेरे एक तो ये सवाल है डॉक्टर साहब से की डॉक्टर साहब काफी दिनों से न कुछ दिनों से मेरे बिल्कुल लोअर बॉडी में टांगों में ऐसे जैसे बिल्कुल जान खत्म हो रही हो बिल्कुल बेजान हो रही है ताकत नहीं आ रही है थोड़ी देर मतलब रुकती है अगर मतलब दर्द भी नहीं है सुन भी नहीं है ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है शुगर लेवल बिल्कुल सही है मगर मतलब टांगों में बेजान बेजान पन हुआ है कि बिल्कुल ताकत नहीं आ रही खड़े भी नहीं मतलब सही तरह हुआ जा रहा है जैसे कि जानदार जान जिसमें आपकी एज क्या है मेरी एज है थर्टी नाइन फोर्टी है थर्टी नाइन फोर्टी और आपका वेट कितना है फिफ्टी टू के फिफ्टी टू वेट भी ज्यादा नहीं अच्छा आपका बीपी वगैरह तो सब चेक आपने किया कि सब बिल्कुल सही है ब्लड प्रेशर भी सही है शुगर भी सही है मगर टांगों में से बस प्रेशर नहीं आ रहा बिल्कुल बेजान हो जा रही है दोनों टांगे ठीक है आप सिर्फ ये काम कीजिए मैं आपको बताती हूँ आप देखिए टीवी देखिए आप आइए ठीक है मेरा बेटा थैंक यू वेरी मच आप स्क्रीन के सामने आ जाएं आप आपको अभी बता रही हैं। जी आप अच्छा पहले तो इनको जिसका बाकी जो चीजें नॉर्मल जो होती है वो सब चीज़ें ठीक है इनको लेकिन वाइटामिन बी ट्वेल्व मेथिकोबॉल जो है वो लगवाना चाहिए इनको वीकनेस हो रही है और कुछ भी नहीं है बिल्कुल वीकनेस है जिसकी वजह से ये फील हो रहा है अगर बीपी नॉर्मल भी है लेकिन वेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है एज के हिसाब से थर्टी अगर फोर्टी ईयर्स भी एज है या फिफ्टी टू है तो मतलब इट मीनस की वो एक बड़ी लीन सी हैं और एक नॉर्मल सी एक बॉडी है तो उसमें जो वीकनेस है और खासकर गर्मी के दिनों में ये पसीना ज्यादा आता है हमारी बॉडी के अंदर से नमकियात की कमी हो जाती है जिसके से हम एकदम से डाउन फील कर फिर वही बात आ जाती है कि आपने डिटॉक्स और अपने आप को रखना मतलब पीते रहना पानी, पानी पीते का और है का लीमु पानी पीते जरूर पीना शुरू कर दें बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है खासकर जो पैरों का बता रही है बेचैनी है खड़ा नहीं हो जा रहा ये निशानी होती है कि खून की कहते रहिए हेमोग्लोबिन ठीक है बट ब्लड की जो आयरन की कमी हो रही है तो वो निरबैन जो है वो लगवाना शुरू कर दी ये जो आयरन की कमी जो बता रही है अल्लाह ना करे आपको आयरन की कमी हो सिर्फ वीकनेस ही हो आयरन की कमी में मेरी एक फ्रेंड है वो आप दस दिन छ महीने में दस दिन वो आयरन के शॉट्स उसको लगते हैं ठीक है फिर वो छ महीने आ, के लिए जो है न, उसकी है, हाँ हाँ। और महीने बाद उसको जो है न, आ, वो लगते हैं। अच्छा ठीक है बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल इससे महफूज रखे लेकिन ये टमाटर हमारे पास है चुकंदर हमारे पास है मुर्गी की कलेजी हमारे पास है वो नहीं खाना रेड बीन्स हमारे पास है ये चीजें हमारे पास है तो हमें खून की कमी होनी ही नहीं नहीं चाहिए ठीक है तो बहरहल ये तमाम चीज़ें खासकर किशमिश का इस्तेमाल मतलब रोजाना पाँच से छः दाने आ, जो सब्स किशमिश होती है वो लड़कियों को ज़रूर खाना चाहिए बिल्कुल उससे उनको खून की कमी नहीं होती जो चेहरे पर मतलब डलनेस आ जाती है चेहरा मुरझा जा जाता है खून की कमी से आयरन की डेफिशंसी से वो पूरा हो जाता है बिल्कुल तो बाकी चीज़ें आप जरूर करें जो चीज़ें बताएं बी ट्वेल्व है मेथी को बॉल है या अपना लाइक निरबैन है ये तमाम चीज़ें शुरू करें इससे कि वीकनेस की वजह से हो रहा है और खाने पीने में कोशिश करें कि आप नमकियात का इस्तेमाल है मू पानी है ये सब चीज़ें अगर हम बात करें तो आयरन की जिस तरह से शॉर्ट से आप यकीन जानिए इस कदर महंगा है कि मैं आपको बता नहीं सकता ठीक है बारह हज़ार तेरह हज़ार रुपये वो एक दिन का जो है ना शॉर्ट का होता है ठीक है और अगर देखा जाए तो वो जो दस दिन के लगते हैं तो वो कोई आराम से जो है ना डेढ़ पौने दो लाख रुपये के आपके हो जाते हैं बट अगर जिस तरह से आपा ने बताया कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स का इस्तेमाल करते हुए डेली बेसिस पे आप अपने ख़ुराक के अंदर खानों के अंदर जो हमारे घरों में मौजूद हैं अगर हम उनका इनटेक रखे तो हमें ये सारी चीजों का और इन प्रॉब्लम्स को फेस करना ना पड़े बिल्कुल ऐसा जी आप अच्छा ये अच्छा होता है क्या कि जब आपने मिक्स किया तो उसको किसी भी चीज पे डाल के उसको सेट होने दें अच्छा सबके पास तो ये जो अपना हाँ, वो नहीं मोल है मोल्ड नहीं है तो उनके लिए मुश्किल होता है तो उस पर आपने करना क्या है सिंपल

बिल्कुल आप सिर्फ उसको फैला आप के आपने रख देना है और जब वो थोड़ा अभी जितनी देर में हम शो करें सेट हो जाएगा अभी थोड़ा सा गीला है ये और जब ये सेट हो जाएगा तो आपने इसके क्यूब्स बना के छोटे छोटे बार्स बना के इसको निकाल लेना है और ये आपने रेगुलर यूज़ करना है और इसमें आप खुशबू ऐड करना चाहें तो जो खुशबू आपको पसंद है गुलाब की डालनी है वनीला की डालनी है आपने कॉफी एसेंस है वो डिफरेंट आप या डिफरेंट आपको जो है ना फ्रेग्रेंसेस मिल जाती हैं वो सब आप ऐड कर सकते हैं हती कि अगर इजेंशियल ऑयल्स ऐड करने हैं तो वो जब आप बिल्कुल ठंडा मिक्स आ, मतलब मोल्ड में पोर करने लगेंगे तब आप इसेंशियल ऑयल डालेंगे गर्म पकते हुए नहीं डालेंगे ओके okay. उसमें आप लेवेंडर ऑयल यूज कर सकते हैं टी ट्री यूज कर सकते हैं उसके अंदर आप रोज मतलब जो अरोमा के लिए खुशबू के के लिए लिए फ्रेग्रेंस ऑयल का यूज़ होगा अच्छा खुशबू तो आप कभी कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं एजेंशियल ऑयल जो है वो खुशबू के साथ इलाज भी होता है ठीक है जैसे टी ट्री हम दानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लेवेंडर जो है हम रिलैक्स होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं रोज अपने स्किन की ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लेवेंडर आप देखें कितना जबरदस्त तो काम इस तरह मतलब। से डिफरेंट ऑयल्स आते हैं कि यलाँ 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 जो है हम ब्राइट्स के लिए यूज करते हैं बर्गमोड जो है वो सनटैनिंग के लिए के लिए इस्तेमाल हो रहा है और नैरोली जो है वो लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल हो इवन अच्छा, के आप जिस तरह से लास्ट टाइम आपने कहा था कि लेवेंडर अगर रात को नींद ना आए तो अपने रूम में तके आस पास भी अगर आप लोग के ऊपर वो रख दें या तक के अंदर लेवेंडर फ्लावर्स भर लें मेहंदी के फूल मेहंदी के पत्ते और लेवेंडर के जो फूल है वो भर लीजिए

बस आपने हाफ कप अगर आपने सो फ्लेक्स लिए हैं तो तकरीबन एक गिलास आप रोज वाटर या सादा पानी लेंगे उसमें हाफ कप ही हम डालेंगे एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल डाल दिया है हम अच्छा इसके अंदर जो है आप आ, फ्रेश मिल्क या दही का पानी भी ऐड कर सकते हैं okay, छाछ जो होती है जी बिल्कुल मतलब पानी आपने हाफ करके आप दूध या दही का जो लस्सी या छाछ जो है या दही के ऊपर का जो पानी है वो आप जैसे यहाँ पे मेरा सामने दही नजर आ रहा है मुझे इसलिए मुझे थोड़ा सा किचन में अगर मुझे कोई मतलब कर देना खड़ा कर दे तो यही हाल होता है उसकी रेसिपी का तो बहल ये आपने थोड़ा सा आपने दही ऐड कर लिया है इसको आपने देखा मिक्स हो गया ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो आ, सोप है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा साही. अच्छा जब ये मेल्ट हो जाएगा चूल्हे से आपने इसको उतार के सिंपल जो आपने खुशबू ऐड करनी है इसमें कोई चीज डालने की जरूरत नहीं लेकिन आप चाहें तो उसके अंदर ऑरेंज की जो पील हो छिलका हो तो उसको बारीक बारीक क्रश करके डाल सकते हैं उसके अंदर आप लेमन लेमन के डाल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल और टोमेटो जो है उसका जूस ऐड कर सकते हैं लेकिन जूस हम ऐड करेंगे उसमें आप इमली का पानी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए okay. लेकिन हम लिक्विड फॉर्म यूज करेंगे इसलिए कि हम वॉश बना रहे हैं ठीक. बस ये आपका तैयार हो गया अच्छा जब ये सब चीजें हो जाएंगी hmm. पानी हमने ज्यादा रखना है तो इसको आप किसी आ, मैस में निकाल लेती है hmm. अच्छा पानी इसलिए ज्यादा रखेंगे वरना साबुन जो है ठंडा होके जम जाएगा ओके okay. पानी की क्वांटिटी इसलिए ज्यादा रखनी है कि हम दूध डाल रहे हैं या दही डाल रहे हैं या इमली का पानी डाल रहे हैं टोमेटो जूस डाल रहे हैं लेकिन सब चीजें लिक्विड में डाल रहे हैं इसी में आप थोड़े से कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड कर दें या आप किसी बॉटल में भर के रख लें आपका जो है फेस वॉश तैयार है क्या बात है और इसमें आप डिफरेंट वैरायटी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर फ्रूट जूस ऐड कर सकते हैं इसके तो अंदर आप एप्रिकोट बिल्कुल एप्रीकोट मैंगो का थोड़ा सा जूस ऐड कर लिया है आपने इसके अभी एप्रिकोट आ रहा है ना क्योंकि आप एप्रिकोट बहुत अच्छा पीच पीच आ रहा है पीच का आप जूस ऐड कर लें करके अलावा फाल से क्रश करके डाल दें बिल्कुल थैंक यू तो ये तमाम चीज़ें जो है आप कर सकते हैं तो उसमें क्या है कि आप बॉटल में भर के रख लीजिए और इसको जो है आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है लाइक जिस तरह फेस वॉश इस्तेमाल होता है आपा ने जो है ना टेक ओवर किया था किचन में नहीं आप वहाँ से निकलें और आप यहाँ पर आए वापस तो और आपा को हम ले आए अपनी जगह पर तो आपा ने सोप आप बनाना सिखाया और फेस वॉश तो ये दोनों रेमडीज़ बड़ी सिंपल सी थी और कोई रॉकेट साइंस मेरे ख्याल से नहीं थी फ़ेस वॉश हमारे सामने रखा है और जो सोप सोप था वो ठंडा हो रहा है वंस वो डन होता है तो मैं आप लोगों को उसका रिजल्ट दिखाता हूँ ठीक है जी इसके अलावा आपस से अगर कोई भी सवाल करना चाहता है वो आप कर सकते हैं कॉल आ, के लिए आप नंबर ऑन स्क्रीन है और इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक आज इंटरटेनमेंट यूट्यूब पे आज फूड अच्छा आप फेस वॉश और आ, जो ये आपने बनाना तो आप सिखा दिया है ठीक है तरीका इसका सेम देखिए ये तो मैंने सोप फ्लेक्स से बनाया वरना जो रीठा होता है सोप नट कहलाता है वो ठीक है सोप नट क्यों कहलाता है सोप नट सो, उसके अंदर से झाग निकलता है झाग निकलता है और जो पहले जमाने में रीठा सिका कामला के शैम्पू बनते थे आज भी हम लोग बनाते हैं और सिर्फ रीठा को भिगो के उसका पानी पका के उसमें आप डिफरेंट हर्ब्स डालें वो भी आपका एक वॉश बन जाएगा लाइक आपका फेस वॉश अगर बिल्कुल ही हर्बल चाहिए सोप फ्लेक्स भी यूज नहीं करने तो आप जो है सोप नट लाइक रीठा इस्तेमाल कर सकते हैं रीठा 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 ये इजीली मार्केट के अंदर आराम से आपको खवातीन को सबको सब पता है रीठा का कहला तो रटा हुआ है कि वो पहले तो अम्माएं सर्द होती थी उससे उससे बालों के लिए लगता है मतलब मास्क बनता है उसका पाउडर भी बनता है मिल जाता है लेकिन अगर आपको फेस वॉश बनाना है या आप उस या आप उससे शैम्पू या कोई चीज़ बनाना चाह रहे जिससे आपको चाहिए कि आपको लादर फील हो अगर झाँक बने तो साबुत लेना है आपने जो पाउडर लेंगे उसमें कभी भी झाग नहीं बनेगा ओके ठीक है अक्सर होते वो दुकानदार कहते तैयार आपका पाउडर सफूफ ले जाए आपके लिए पास तैयार है डन है ये आप इसको इस्तेमाल कर ले तो उसमें कभी भी झाग नहीं बनेगा झाग नहीं बनेगा आपको साबुत साबुत लेना है तो और उसको फिर बॉइलिंग प्रोसीजर यस बिल्कुल तो आप रात को भिगो दीजिए उसको बॉइल कर लीजिए इतना सारा उसमें मजेदार से बिल्कुल लगता है साबुन जो ना बिल्कुल मिक्स किया हुआ है उसके अंदर वो ऐसा ही बनता है और फिर उसके अंदर जितनी भी जो चीजें डालना चाहे आप हर्ब्स ऐड करना चाहें आप शैम्पू बनाना चाहें उससे बेशुमार चीजें हैं बल्कि अगर आप कहेंगे बिल्कुल ही मुझे ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए तो उसमें मुझे सो फ्लेक्स भी यूज़ नहीं करने तो वो आप रीठा इस्तेमाल करें रीठा इस्तेमाल करेंगे ओके और फिर ये जो अभी हमने बनाया है इसका यूजेज जो है वो दिन में जिस तरह से भी जितना आप चाहे देखें ये आपके सामने की चीज़ें आप इसमें चाहे तो हल्दी ऐड कर दें आप इसमें शहद जो आपको पता है कि कौन सी चीज़ किस लिए ही रहे होते हैं सब लोग आप लोगों को खुद भी पता है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा इसको इस्तेमाल करने में कोई नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है ठीक है देखिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये अच्छा इसको शुरू में मिक्स कर ले ताकि ये जो ना साबुन इसके अंदर जमे नहीं।, नहीं जब अच्छी ना बिल्कुल जब आप इसको अच्छी तरह से पानी डाल के या दूध और ये सब चीज़ें डाल के पकाएंगे साबुन कम होगा या साबुन की जगह आपने रीठा इस्तेमाल कर लिया है तो इसमें कोई ऐसी चीज़ लम्स या गुटलियाँ सी नहीं बनेंगी तो यह आप बॉटल में भरेंगे और इसको जिस तरह वॉश यूज करते हैं आ, उसी तरह से आपने थोड़ा सा साबुन लेना वो वॉश लेना है उसको उसका फेस को लगाना है वॉश करना अच्छा इसको दिन में कई दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आसान सा हल यह है कि अगर बॉटल में एक बच्चे बहुत जया करते हैं तो आप किसी ऐसे खुले जार में रख लें या छोटी जो आपने ड्रॉपर वाली जो बॉटल्स होती है उसमें डाल लें कि आपने थोड़ा सा हाथ में निकाला खूब मसाज किया वॉश कर लें तो ये आप अपनी मर्जी से जितना दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इसका ज्यादा बना के बॉडी वॉश भी बना अच्छा आप ये तो हो गया क्लियर अब जिस तरह से अभी हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आयरन की कमी ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि हमें किस तरह से केयर करनी फ्रूट्स का इंटेक है और इसके अलावा कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आयरन की जिनको कमी है वो उसको फुलफिल करें देखिए आयरन की जिनको कमी है तो चीजें तो बेतहाशा हैं मैं बताऊँ को एक तो है शरबत बेदार हमदर्द का शरबत अगर किसी को शरबत बेदार अगर किसी को बहुत ज़्यादा जिसके हेमोग्लोबिन बहुत कम हुआ है आयरन बहुत कम है वो बिल्कुल सिक्स सेवन पे आ गया है तो आ, आपने सिंपल शरबत बेदार अगर स्टार्ट कर दिए वैसे बहुत सारे और भी मेडिसिन है लेकिन शरबत बेदार बहुत आसान से ईजीली मिल जाता है उसको पीना भी आसान होता है उसके बाद तरीक़ाकार लिखा हुआ है और वह पीना शुरू करें तो इन खुद ही आपको होगा कि मतलब चंद हफ्ते के अंदर दो हफ्ते भी बहुत हैं आपका जो आयरन लेवल है ब्लड हेमोग्लोबिन है वो अपना लेवल पे आ जाता है कवर होना शुरू बिल्कुल हो, है। हो जाता है दूसरा जो मुर्गी की कलेजी हम कहते हैं वैसे हम खाने की बात करते हैं लेकिन हमारे यहाँ जो तरीका था आ, बड़ा लोग अजीब अजीब सा मुँह बनाते हैं कच्ची कलेजी जो है ब्लेंडर में डालें वॉश करके उसके अंदर दो तीन हरी मिर्चें डालें थोड़ा सा टमाटर डालें उसमें जीरा डालें, एक आधी थोड़ी सी लाल मिर्च डालें उसको ब्लेंड कर लें और पानी डाल और वो देखिए लोग बड़ी शक्लें बनाते हैं इतना कोई टेस्टी है मैंने खुद बहुत पिया इतना कोई ऐसे कि उसमें हरी मिर्च है जीरा है टमाटर उसमें बट आयरन डेफिशिएंसी इंतहा तेजी से पूरी होती है अच्छा तो मतलब ये लीवर में आज जाके जो है ना मैं दोस्त को बताऊंगा हाँ, कि हाँ? आपने जो है ना लीवर एक लेना है मुर्गी का और उसमें ग्रीन चिल्ली टोमेटो और

देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है हम मेडिसिन भी खा रहे होते हैं हम डिफरेंट कैप्सूल्स खा रहे हैं और बहुत सारे वाइटाम ले रहे हैं बट जो नेचुरल सोर्सेज हमने कहा चुकंदर चुकंदर है अगर फ्रेश नहीं तो डिहाइड्रेटेड मिल जाता है गाजर है चुकंदर है रेड बीन्स हैं ठीक है और इसके अलावा जो है आप हरी सब्जियां हैं ये जरूर बिल्कुल इस्तेमाल और पालक के साथ आप सेब मिलाइए उसका जूस कच्चे का आप पीना शुरू करें बिल्कुल उसमें भी पालक पकी भी नहीं कच्ची पालक कच्ची आजकल तो ये ट्रेंडिंग मतलब अगेन आजकल तो ये बना हुआ है है कि आपने क्या कहते हैं आपका बीट एंड का जो ना आपको जूस मिलता है मैं आप अच्छा जो बिल्कुल जो जूस की आपने बात की मुझे याद आ गया कि मैंने अपने पेशेंट्स को बहुत पिलाया है बहुत बहुत ज्यादा रिकमेंड किया और बहुत पेशेंट्स ने फायदा उठाया हेयर फॉल के लिए उसमें चुकंदर सेब पालक ये तीनों चीजें मिला के आपने और इसको खूब अच्छी तरह मतलब जूस निकाल के आपने बहुत ज्यादा नहीं इसे चुकंदर भी पीना मुश्किल होता है बट सेब के साथ वो बैलेंस हो जाता है और पालक भी कच्ची तो वो हाफ कप आप हफ्ते में तीन दिन पी लें मतलब रोज भी नहीं पीने हफ्ते में तीन दिन पी लें अगर बाल नहीं बढ़ रहे हैं बाल बहुत गिर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह बालों का मसला हल हो दानिश भाई के आगे से खत्म हो गए जाता से अब तो उसकी एज निकल गई सुन तो नहीं रहा मेरे ये अगर दानिश भाई को पिलाना शुरू करें तो शायद बाल आ जाए देखिए उसके लिए दूसरे उसको ट्रीटमेंट भी जाना पड़ेगा yeah. दानिश को पीआरपी पी करवाना पड़ेगा yeah. दानिश को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए कि उसने जो वो बाल गिर रहा होता है हमें उस वक्त मेहनत करनी चाहिए yeah. जब वहाँ काली खत्म हो जाएगा वहाँ की स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी तो फिर नया सेल वहाँ से मगर लग, लग सकते हैं आपका वहाँ पे लग भी सकते हैं आ भी सकते हैं नहीं हेयर पीस के अलावा ट्रांसप्लांट भी हो सकते बट नेचुरली भी बाल ग्रो कर सकते हैं अगर वहाँ पे थोड़ी सी जिंदगी मौजूद है सेल के अंदर सही तो उसको फिर ट्रीट करना ट्रीट करना पड़ेगा जूस बा... से नहीं निकलेंगे अच्छा होता है क्या है कि हम डिफरेंट चीजें करते हैं अब, अब वो लोग कहते हैं तो हम ऐसी कोई चीज मैं ये लेती हूँ कि घर की चीजों से गर्मियों में सन टैनिंग बहुत हो जाती है तो हमें होता है कि कोई ऐसी चीज कि सन टैनिंग अब छुट्टियां अगर शुरू हो रही हैं तो आप एग्जाम्स ख़त्म होंगे बच्चे जाएंगे पिकनिक पे और जब पिकनिक पे जाएंगे तो वो तो स्किन कर सकते हैं हाँ, आप सोचें क्या हाल होगा बस तो, तो उसमें डिफरेंट हम चीज़ें बता रहे हैं ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है कोकोनट मिल्क कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है सेंटेनिंग खत्म करने के लिए यहाँ पर जो है आप अपना प्लेन जो भी घर में आटा होता है वो ले लें या मैदा ले लें कुछ भी ले लें ठीक है आप आटा लेके उसमें जो है थोड़ी सी आपने हल्दी ऐड की और तकरीबन तो वन टेबल स्पून आपने आटा लिया है उसमें हल्दी ऐड की जरा सी तो वन स्पून जो है आपने शुगर ऐड की है इसमें ग्रीन टी या आपकी नॉर्मल टी ग्रीन टी बहुत अच्छी है नहीं तो ब्लैक टी भी ऐड करके बिल्कुल इसको मिक्स कर लिया अच्छा इसमें ना आपने टी को पीसना है मतलब चाय की पत्ती को पीसना है ना आपने चीनी, चीनी को पीसना है ओके। अच्छा इसको जो है पेस्ट बनाने के लिए आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं कोई जूस इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आ, कोई सिट्रस जूस है तो बहुत अच्छी बात है लाइक अपना दही के अलावा आपका लीमो हो गया है ड्राई फ्रूट हो, हो गया है इस तरह ऑरेंज अभी नहीं होगा तो इस तरह कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर लें अच्छा अब मेरे पास सामने ये रखा था मैं यही ऐड सोप आपका आपका फेस ताकि वो बाइंड हो जाए बस इसको आपने पेस्ट बनाना है और आप पिकनिक से आए या वैसे किसी भी वजह से आउटडोर की वजह से आपके इस, आ, कलर टैनिंग हो गई ख़राब हो गया तो सिंपल आपने आपने ये पेस्ट बना के अच्छा इसको ड्राई तो रख सकते भिगो के बना के रखेंगे नहीं इसलिए कि हमें स्क्रबिंग करनी है सही ये आपने मिक्स किया और इसके बाद आपने इसको लेके खूब हल्के आ बता दो कि जब चीनी है ये थोड़ा सा इसके जो है हार्ड होते हैं तो उसको बहुत रफली जो है आपने मसाज नहीं करना है आपने लगाया जो है वो यस आपको पड़ जाएंगे अब ये फील हो रहा है ना इसको आप लगा के हल्के 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 इतनी देर करना है कि चीनी घुल जाएगी चीनी घुल जाएगी अच्छा यहाँ पे हमारी चाय की पत्ती नहीं घुलेंगी लेकिन चीनी घुल जाएगी ओके। और इसकी जगह आप कॉफी भी ऐड कर सकते हैं जब चीनी घुल जाए तो उसको वॉश कर लें और वॉश करने के बाद सिंपल कॉफी डायलिट हो जाएगा आपका यस कॉफी डायलिट लेकिन चाय की पत्ती या ग्रीन टी ज्यादा बेटर है

पानी बब, पानी वाले बबल्स बन जाते हैं yes, यस वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है लेकिन उसके लिए बेहतर ये कि जब आप ऐसी कहीं जगह जा रहे हैं जो कि आपका आउटडोर है आपका आपने पिकनिक प्लान किया है हाइकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक तो आपने सन ब्लॉक बहुत हेवी लगाना हैवी लगाना है। उसको बार बार जो है आपने अप्लाई करते रहना हर थोड़ी देर बाद अगर आपको पसीना आ गया है आपको लग रहा है दो घंटे भी बहुत ज्यादा है आपने दोबारा अपने बैग में रखा हुआ है या छोटा सा पैकेट बना लिया साशे ले लिए आपने वाइप ऑफ किया देन अगेन लगा लिया हाँ वो होता यही है कि हम बीच पे गए हुए होते हैं पानी में हम जाते हैं और पानी से फिर बाहर आते हैं और फिर सन बन वो बिल्कुल जो सन ब्लॉक है वो काम करना छोड़ दे बिल्कुल अच्छा दूसरा है कि आप जो जो मड मास्क होते हैं जी। अच्छा आप एक कॉलर है उनसे भी बात करते हैं वाला जी जी मेरी बहन कौन है हमारे साथ और से मैं बात कर रही कहांगी से जी मेहरून क्या कहना चाहती हैं मैं कैल्शियम के हवाले से पूछना चाहती थी कि, कि मुझे ना कैल्शियम की खून की ना कमी बहुत हो होगी अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपना इलाज भी करवाया था लेडी डॉक्टर से ना ठीक है तो उसके बाद सही हो गई थी मैं जैसे मेडिसिन वगैरह छोड़ने के बाद ना मेरे खेत से बेची हो गई कमजोर भी हो गई बाल भी बहुत उतर रहे हैं और रंग बहुत काला हो गया मेरा ठीक ठीक है थीक है मेरा बेटा आपको कुछ पूछना है आपने एज क्या है क्या एज है आपकी सत्ताईस है, है करने के लिए स्क्रीन के सामने आ जाए आप अभी आपको बता रही है देखिए इन्होंने कहा कि इलाज करवाया ठीक हो गया था फिर दोबारा हो गया इसका मतलब एक जो रूटीन है इनका जो चाहे डाइट है कुछ भी वो सही नहीं है ठीक है उसकी वजह से ये इशू आ रहा है तो एक तो अपना दोबारा टेस्ट करवा लें कितनी डेफिशिएंसी है उसके बाद आयरन का हमने अभी बताया है ठीक है कैल्शियम के लिए आ, होता है कि हम बहुत आर्टिफिशियल सोर्स पे नहीं जाना चाहिए सिंपल आपने सिंघाड़ा हो गया है दूध है अंडा है इनका इस्तेमाल बढ़ा दीजिए कैल्शियम जो है बाकी चीज़ों में भी मिलता है लेकिन आप फ़िलहाल कोशिश करके इन्हीं के ऊपर आइए आर्टिफिशियल किसी और चीज़ के ऊपर नहीं जाइए असगन नागोरी मूसली सफ़ेद जो है ये इस्तेमाल करना शुरू करें तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क आएगा एकदम जो आप आर्टिफिशली बहुत हैवी डोज लेते हैं कैल्शियम की वो आपकी किडनी को इफेक्ट करता है बिल्कुल 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 ऑन पॉइंट अच्छा जी तो यहाँ पर आपने आ, जो भी सोर्सेज हैं आपके पास मैं ये कहूँगा कि आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से और जिस तरह से आपा हो या कोई भी हमारी फैमिली का मेंबर है जो हमें बता रहा होता है वो हंड्रेड परसेंट उसका यही होता है कि हम डेली बेसिस पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो वेजिटेबल फ्रूट लैकम्स बीन्स और ये जो जड़ी बूटियाँ इनसे जो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है हम उनका इस्तेमाल करते हुए अपना इलाज करें और अपना ख्याल रखें तो आपा थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया